खबर बुरहानपुर से है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में सभी बूथों को जीतने का दम भरा था। वीडी शर्मा ने मन से जमकर कांग्रेस को कोसा और कहा कि अब राहुल गांधी के सलाहकार ब्रिटेन के सैम पैट्रोल ने देश के लोगों को रंग के आधार पर बाहर से आया हुआ बता दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति और विरासत को बचाने की बात करते हैं और कांग्रेस विरासत को समाप्त करने की बात कह रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अगर राम मंदिर के दर्शन अपने आराध्य के दर्शन करने चला गया तो कांग्रेस उस पर प्रहार कर रही है। तो ये चुनाव उन लोगों के बीच में सामान्य चुनाव नहीं है। तो इसलिए एक एक कार्यकर्ता को, जो मैंने कहा ना कि आपने तैयारी हर बूथ पर की है, मैं तो केवल आपको हाथ संबल देने के लिए आया हूं और बुरहानपुर में जानबूझ करके आया हूं, क्योंकि बुरहानपुर के क्षेत्र में मुझे, मेरे मन के अंदर है ये संकल्प, इस विरोधी ताकतों के काम करने वाले लोग हर बूथ पर, यहां से इन्हें मुक्ति मिले, हर बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बने, ये संकल्प बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं को आज लेने की जरूरत है। कांग्रेस मानसिकता के, कांग्रेस की जो मानसिकता है ये अंग्रेजों की मानसिकता से, विधानसभा चुनाव आज से नहीं है, डिवाइड एंड रूल, यही कांग्रेस के पास बचा है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, भारत का अपमान करना, ये सैम पित्रोदा का बयान, भारत की एकता और अखंडता और भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ इस चुनाव में देश की जनता भी सैम पित्रोदा जैसे लोगों को, इस चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी।